हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुजिता राजगुरु, गायनेकोलॉजिस्ट, अकोट डिस्ट्रिक्ट, अकोला, महाराष्ट्र से। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो ये है कि क्या पीरियड्स के दरमियान हमें फिजिकल रिलेशनशिप यानी कि क्या संबंध बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्या ये सुरक्षित है या नहीं। बहुत से बार कपल्स इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और उन्हें सही सही जानकारी नहीं मिलती है और इसी से रिलेटेड वो इंटरनेट पर बहुत सी चीज़ें सर्च करते रहते हैं। सो मैं एक स्त्री रोग तज्ञ होने के नाते मुझे लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर भी आपको ये चीज़ से रिलेटेड दोनों पहलू आपके सामने रखने चाहिए और फिर उसके हिसाब से आपको ठहराना है कि क्या पीरियड्स में आपको संबंध बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको पीरियड्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों के, बहुत से महिलाओं के, बहुत से पुरुष के सामने ये चीज़ होती है कि पीरियड्स ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती है, ये एक गंदी बात होती है। सो मासिक धर्म ये गंदी बात नहीं है, ये बहुत ही एक नेचुरल फिनोमेना है, एक प्राकृतिक चीज़ है। जब भी आपका मासिक धर्म आता है, फर्स्ट डे ऑफ मासिक धर्म होता है, उसके 14 दिन पहले आपके बीजाशय में से बीज बाहर निकलता है यानी कि ओव्यूलेशन होता है। वहाँ पे अगर शुक्राणु अवेलेबल है तो आपको शुक्राणु और एग साथ में आने के बाद जो भ्रूण तैयार होगा वो बच्चादानी के गर्भाशय के इनर लाइनिंग को चिपकने के लिए रेडी हो जाएगा और इस तरीके से आपको प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो ये जो हार्मोन्स है ये ड्रॉप आउट हो जाने की वजह से जो गर्भाशय की इनर लाइनिंग है, जो प्रेगनेंसी रोकने के लिए रेडी हो रही थी, जो भ्रूण अगर आता है गर्भाशय में तो उसको इम्प्लांट करने के लिए तैयार हो रही थी, ये हार्मोन्स ड्रॉप हो जाने की वजह से जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वो शेड ऑफ हो जाएगा और ये शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम जो होता है उसे हम पीरियड्स या फिर मासिक धर्म कहते हैं। सो ये गंदी बात नहीं है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। सो पीरियड्स के दरमियान अगर आप सेक्स करते हो तो बहुत से बार ऐसा कहा जाता है कि जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, एंडोर्फिन्स लेवल काफ़ी बढ़ जाती है, तो ये हार्मोन्स जो है ये हैप्पी हार्मोन्स है। अगर ये रिलीज होते हैं तो जो पीरियड्स के दरमियान आपको पेट दर्द है, कमर दर्द है या फिर सिर दर्द है, ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है क्योंकि आपका पेन थ्रेशोल्ड भी बढ़ जाता है यानी कि दर्द सहन करने की कैपेसिटी भी ये हार्मोन्स रिलीज हो जाने की वजह से आपको हो सकता है, यानी कि पेट दर्द कम हो सकता है, सिर दर्द कम हो सकता है, ये एक चीज़ राइट। देन एक इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन पीरियड्स के दरमियान काफ़ी हो जाता है तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाने की वजह से इसमें भी काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। और पीरियड्स के दरमियान ब्लड ये एक नेचुरल लुब्रिकेंट करके भी काम कर सकता है। सो जो फिजिकल रिलेशनशिप बनाते वक्त जो आपको बहुत से बार ड्राइनेस फील होता है जिसके लिए आप आर्टिफिशियल ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हो या करते हो तो वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ये सब तो फ़ायदे हैं और ये जो फ़ायदे मैंने आपको बताए ये नॉर्मल अगर आप संबंध बनाते हो तो ये फ़ायदे तभी भी रहेंगे, बट उसका कुछ एडिशनल एडवांटेज नहीं है। अगर आपको सीवियर पेट दर्द होता है तो अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाते हो तो ये कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट ये फ़ायदे आपको तभी मिलेंगे अगर हस्बैंड और वाइफ यानी कि मेल और फीमेल पार्टनर दोनों इच्छुक है फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए। अगर सिर्फ मेल पार्टनर इच्छुक है और फीमेल पार्टनर नहीं है तो ये हैप्पी हार्मोन्स उसके उनके बॉडी में नहीं रिलीज होंगे जिसकी वजह से उनको कोई इसका फ़ायदा, एडिशनल फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा। देन कॉइन की जो अदर साइड है वो ये है कि अगर आप पीरियड्स के दरमियान फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो तो जो नॉर्मल वजाइना का पीएच होता है 3.8 टू 4.5 एसिडिक पीएच, वो पीरियड्स के दरमियान नहीं होता है, वो अल्कलाइन पीएच होता है क्योंकि ब्लड आपके वजाइना में से फ्लो हो रहा है। तो तब उस समय या तुरंत बाद फंगल इन्फेक्शन बहुत से बार बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन HIV, हेपेटाइटिस बी और भी अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बढ़ने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सो अगर आपको पीरियड्स के दरमियान फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है तो विथ ड्यू प्रोटेक्शन यानी कि मेल कॉन्डम या फीमेल कॉन्डम का इस्तेमाल करके आप संबंध बना सकते हो। इसके लिए कोई एज सच कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बट ये डिसीजन आपको लेना है कि क्या आप कंफर्टेबल हो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हो, बट एज सच इसका कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं है, बल्कि इन्फेक्शन होने का खतरा आपको ज़्यादा हो सकता है। एज वी ऑल नो, नॉलेज शेयरिंग इज केयरिंग। सो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना न भूलें।